जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों का एक और बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा करते हैं दोस्तों, ये वीडियो में वीकली वीडियो है, तो सिल्वर और गोल्ड दोनों की जो है वो एक साथ चर्चा करेंगे, तो ध्यान से सुनते जाना। बात कर लेते हैं यहाँ पर गोल्ड के बारे में। एक जो है वो काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो हमने चर्चा किया हुआ था कि एक जो है वो 98,550 के आसपास जो है वो एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस से जो है वो शुरुआत करते हैं, दूसरा लेवल हो सकता है 98,100 के आसपास। तो ये एक जोन जो है वो हम पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट को थोड़ा एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है आने वाले सप्ताह के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर, जो कि स्टार्ट होगा 28 तारीख से, 28 अक्टूबर से। तो ये वाला एरिया जो है वो वहाँ पर हमें खास जो है वो फोकस रखना है। अगर ये एरिया ऊपर की तरफ मार्केट में रेजिस्टेंस मिलता है आने वाले समय में, तो मार्केट में प्रॉब्लम, परेशानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये हमारा एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस जो है वो काम कर सकता है फॉर नेक्स्ट वीक के लिए, अगले सप्ताह के लिए। अगर किसी कारणवश हम ये लेवलों को ऊपर की तरफ काटने में कामयाब होते हैं, ऊपर की तरफ काट के सस्टेन होने में कामयाब होते हैं, तब जाकर हम मान सकते हैं कि कुछ सस्टेनेबल तेजी की तरफ मार्केट वापस से दौड़ लगा सकता है। लेकिन जब तक ये लेवलों के ऊपर ना जाए, ऊपर जाके रुके नहीं, टिके नहीं, सस्टेन ना करे, तब तक थोड़ी सी परेशानी, प्रॉब्लम रह सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट के बारे में। मार्केट के लिए सपोर्ट की भी चर्चा करते, एक बहुत ही बड़ा उसका सपोर्ट एरिया हो सकता है 96,400 के आसपास, 96,500 के आसपास जो है वो हम मान के चलते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जो है वो उसका सपोर्ट बन सकता है। अगर हम ये लेवलों को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तब जाकर ही कुछ करेक्शन की उम्मीद जो है वो बढ़ सकती है। मतलब हमारा जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर नीचे का एरिया, जो कि कुछ लग रहा है मेरे हिसाब से 96,400 के आसपास। 96,400 के नीचे जो लेवल आ सकता है वो ये जो गैप छोड़ा है वो एक हम सपोर्ट मान सकते हैं, 95,400। और एक बहुत ही बड़ी मतलब सपोर्ट अगर हम मान के चले, जिसके बाद थोड़ी सी ट्रेंड में परेशानी हो सकती है, वो लेवल है दोस्तों 95,000 के आसपास। ठीक है, छोटे छोटे जो भी लेवल निकल रहे हैं यहाँ पर, जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं वो आपको बताते जा रहा हूँ। एक चीज आपको और बता रहा हूँ कि आने वाले 7 से 10 दिन, मतलब नेक्स्ट वीक और उसका अगला वीक, बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस में बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि डेंजरस का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ की नीचे की तरफ, सबको यही समझना है, क्योंकि फिर जो है वो दो मुई वाय बात हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, आपको आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर ये मार्केट भरपूर तंग करने का प्रयास करेगा। मतलब आप कुछ भी करो, बाय करो तो भी आपको परेशान करेगा, सेल करोगे तो भी परेशान करेगा, दोनों तरफ आपको मतलब समझ लो परेशानी है। नीचे से यहाँ से जो ऊपर उठे थे उसको खाली बाय वाले को तो कोई परेशानी थी, सीधा सीधा मार्केट ऊपर उठाया था। लगभग 20-21 दिन पहले हमने चर्चा करी हुई थी कि शॉर्ट वालों के अगर कपड़े बच जाए तो बहुत है, भगवान से प्रार्थना है। तो वो तो हमने एक नज़ारा देख लिया यहाँ पर कि क्या जो है वो उसका मतलब था। चाहो तो वो वीडियो आपने देखा भी होगा, और देखना चाहो तो वापस से देख भी सकते हो। लेकिन ये 7 से 10 दिन जो है वो, अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमारे ट्रेडिंग रूल है, 100 रुपये अगर आपके पास हो तो 5 रुपये से ज्यादा अभी निवेश नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर भी एक समय पर, क्योंकि क्वांटिटी कंट्रोल करना अभी जरूरी है, क्योंकि एक साइड का ट्रेंड नहीं रहेगा, परेशान भरपूर करेगा, परेशान मतलब होने के लिए तैयार हो जाओ, ये ध्यान में रखना। अगर 98,550-600 के ऊपर जाके रुक गया तो ठीक है, कुछ सस्टेन हो जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर ही जो है वो घूमता रहेगा आगे पीछे करके। फिर 95,000 का एक लेवल बताया, उसके नीचे जो छोटे लेवल है वो भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। एक अच्छा फिर लेवल आता है कुछ 94,300, और इसके आगे के जो लेवल है वो हम मंडे टू फ्राइडे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे।
अगर इन दौरान मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, कहाँ पर क्लोजिंग करते हैं, वो सारी डिटेलों के साथ जो है वो हम मंडे को फिर से मिलेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे जो हम मिलते हैं उसके अंदर, तब जो है वो आगे की चर्चा हो पाएगी। ठीक है, तो अब बात कर लेता हूँ गोल्ड के बारे में। और एक चीज़, हाँ, यहाँ पर सिल्वर में अगर ये किसी कारणवश ये लेवलों को ऊपर काट के सस्टेन करने की कोशिश करे 98,500 के आसपास, जो कि हमारा दिवाली 2025 का लक्ष्मण रेखा वाला लेवल है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये लेवल के ऊपर अगर 2-3 दिन रुक जाता है ऊपर की तरफ, तो फिर बी केयरफुल, ये भी ध्यान रखना। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, दिवाली 2025 सिल्वर RVS स्ट्रैटर्जी। गोल्ड का भी वीडियो दोस्तों पोस्ट कर चुका हूँ कल, तो वो वीडियो ना देखा हो तो वो भी देख लेना, दिवाली 2025 गोल्ड RVS स्ट्रैटर्जी, ऐसा लिखोगे तो आपको गोल्ड का वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी चर्चा हो गई हमारी। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर गोल्ड के बारे में। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप सीखना चाहो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, मित्सू क्या है, 6-7-8 का नियम क्या है, बीबी का नियम कैसे काम करता है, ये तीन नियम दोस्तों ऐसे हैं कि जो मतलब आपका लॉस 95% कम कर सकते हैं, लगभग लगभग ना के बराबर। जो भी दोस्त जुड़े हैं सीखे, सबका यही अनुभव रहा है, जो उनका अनुभव रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर सीखना समझना चाहो तो अभी दिवाली है, ऑफर है, गिफ्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चैट सेक्शन पर मिल जाएगा, वो लिंक ओपन करके आप सीख सकते हो, जुड़ सकते हो, वहाँ पर थोड़ी सी पर्सनल चर्चा भी होती रहती है, तो वो वहाँ पर जुड़ने वाले लोगों को कुछ मिल सकता है देखने को सीखने को। बात कर लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों 77,850 का एक बेहतरीन सपोर्ट हम मान के चलेंगे गोल्ड के लिए। इसके नीचे जो है वो एक बड़ा सपोर्ट दूसरा जो निकल के आ सकता है वो है ये 77,075 का। तो ये दो हमारे बड़े सपोर्ट के काम करेंगे। जब तक ये लेवल के ऊपर है तब तक ठीक है, शॉर्ट के अंदर सावधान रहिए। मेन गोल्ड के अंदर हमें रेजिस्टेंस से ज़्यादा सपोर्ट के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे भी हमने बात किया था गोल्ड सिल्वर दोनों में रेजिस्टेंस से ज़्यादा सपोर्ट पे ध्यान रखो। अगर सपोर्ट टूटते तो एक आध बार के लिए थोड़ा सा झटका मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डिटेल में हमने लाइव चर्चा के अंदर किया हुआ है, वहाँ पर ब्रॉडर चर्चा भी होती है, 2-3 दिन का व्यू भी होता है, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 10 साल के व्यू भी वहाँ पर डिस्कशन कर दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर गोल्ड के अंदर यही सपोर्ट के ऊपर हम ध्यान रखेंगे, ये दो बड़े सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस के लिए अगर ध्यान रखना चाहो तो 79,200 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वो काट का है तो थोड़ा और ऊपर जा सकता है। बाकी बताया वैसे दिवाली 2025 गोल्ड RVS स्ट्रैटेजी लिखोगे तो आपको उसका भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। बाकी डिटेल में अगर कुछ चेंज होगा तो मंडे टू फ्राइडे वाले वीडियो में मिलकर जो है वो आगे की चर्चा करेंगे दोस्तों। ये वीडियो मैं यहाँ पर करता हूँ समाप्त। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर कर देना पहली बार आए तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद, नमस्कार।